जानते हैं साउथ साउथ वेस्ट को। ये जो क्षेत्र है ये दक्षिण और नैऋत्य के मध्य का क्षेत्र है, जिसे पखाना का क्षेत्र कहा गया है, यानी कि टॉयलेट का, शौचालय का, डिस्पोजल का, इसे विसर्जन भी कह देते हैं। ये जो क्षेत्र है ये हमारी जिंदगी से बेकार यानी कि अनुपयोगी फालतू कार्य या जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो सोच हो, मतलब कि जो भी अनुपयोगी हो उन्हें निकाल देता है, यानी कि जो भी उपयोगी ना हो, यूजफुल ना हो, उन्हें ये डिस्पोज कर देती है, ये विसर्जित कर देती है। हम लोग कह देते हैं ना कि एक आइडिया आया। अब जब तक किसी भी आइडिया या सोच का फाइनल आउटपुट या रिजल्ट नहीं मिलता, तब तक वह सोच, वह आइडिया हमारे लिए यूजलेस है। अब किसी भी विचार से अच्छे रिजल्ट्स लेने हो, लेने के लिए यह जरूरी है कि हम उसमें से जो बेसलेस यानी कि व्यर्थ चीजें हैं, मींस कि जो भी एक्शंस हैं या ऐसी कोई चर्चाएं हैं, उन्हें निकाल दें, उन्हें डिस्पोज कर दें। उससे क्या होगा, जो हमारा ये आइडिया का जो आउटपुट होगा यानी कि जो रिजल्ट होगा, वो एक तो जल्दी आएगा और निखर कर बाहर आएगा। उसी तरह से चाहे हमारे कार्य क्षेत्र की बात हो या हमारे घर के अंदर भी जितनी यूजलेस अनुपयोगी वस्तुएं हैं या डिस्पोजल से संबंधित कार्य हैं, उन्हें यह क्षेत्र यानी कि क्षेत्र की जो ऊर्जाएं हैं, एनर्जीज हैं, वो स्थायी रूप से लगातार करती रहती हैं डिस्पोज। तो जैसे कि हमने जाना कि इस क्षेत्र की जो ऊर्जाएं हैं, अगर वो इम्बैलेंस हो तो समय, व्यर्थ का खर्चा या प्रयास यानी कि एफर्ट्स में बर्बादी होती है। इस जोन का बैलेंस होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे कि यह विसर्जन करती है, ड्रेन करती है जो भी यूजलेस या बेसलेस, व्यर्थ, फालतू हो हमारी जिंदगी के हर किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो नेगेटिव लोग हो, चीजें हो या कार्य हो। और ये जोन हमें प्रोवाइड करती है एक हेल्दी क्लीन माइंड, यानी कि स्वच्छ साफ मन और शरीर भी, और वातावरण, वातावरण जो हमारे अंदर है यानी कि हमारे भीतर, एंड अराउंड अस यानी कि हमारे इर्द गिर्द के वातावरण को भी हमारे लिए ये साफ सुथरा बनाती है। और ये सुनिश्चित करती है प्रोडक्टिव आउटकम्स, प्रोडक्टिव रिजल्ट्स। तो अब हम चलते हैं।